हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल TS एग्रीकेम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे BSCAG फर्स्ट सेमेस्टर का, जो हमारा एक एग्ज़ाम पेपर है, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, यानी कि BSCAG फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा ये कोर्स है। तो इस प्रीवियस ईयर में हमारे जो क्वेश्चन हैं किस प्रकार के आते हैं आए थे, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्त। दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ये एग्ज़ाम पेपर है, टोटल 50 मार्क का होता है, यानी 50 नंबर्स का होता है, तथा जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 3 आवर्स का। इसके बाद देखते हैं कि नोट में यहाँ दिया रहता है कि अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एस डायरेक्टेड। ठीक है, देखते हैं जो आपका पेपर रहता है दोस्तों, ए बी और सी तीन सेक्शंस में बटा रहता है। जो आपका पहला क्वेश्चन सेक्शन रहता है, यानी कि फर्स्ट में सेक्शन ए में आपको सभी आल क्वेश्चन आल कंपलसरी, ईच क्वेश्चन ईच कैरी 3 मार्क, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, तथा प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 मार्क का रहता है। देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है गिव एंटोनेम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी जो फॉलोइंग वर्ड दिए गए हैं इनको आपको एंटोनेम लिखने हैं, जैसे कि हैप्पी हुआ, हैप्पी, परफेक्ट, प्रैक्टिकल, सुपीरियर, होनेस्ट, पोलिट, पॉयलेट, इनका जो है आपको जो है कि वो एंटोनेम्स लिखना है। इसके बाद में बात करेंगे बी सेक्शन में, बी में जो दिया है राइट साइनोनेम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, ये जो इतने भी आपको वर्ड दिए गए हैं उसके आपको साइनोनेम्स लिखने हैं। इसके बाद में बात करेंगे अब सी पे, ऑप्शन जो सी है, सी में दिया गया है कि चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इन क्वेश्चंस को आपको चेंज करना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, जैसे कि दिए रहते हैं ही साइड आई टेक विथ एवरीथिंग, इनको आपको चेंज करना रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। इसके बाद में बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी पर, डी में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम दोज गिव इन द ब्लैंकेट्स, जो ब्लैंक हैं इनको आपको भरना रहेगा। बी गेट मिल्क फ्रॉम द नेरवी, जो इतने भी दिए गए हैं आपको सामने 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो भी सही ऑप्शन हो उसे आपको ब्लैंक कॉलम में भरना रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे ऑप्शन नंबर ई पे, ई में जो दिया गया है यूज करेक्ट आर्टिकल इन द ब्लैंक स्पेस, जो ये ब्लैंक दिया गया है यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल, जो सही आर्टिकल है उसको लिखना रहेगा। ही इज डॉट होनेस्ट मैन, ही इज डॉट होनेस्ट मैन, यहाँ पर जो भी सही होगा वो आपको भरना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन या यूज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्टोरी स्टोरी विन वाइन इन सेंटेंस ऑफ द अवर ओन, ठीक है, इनमें आपको भरना है। इसके बाद में बात करेंगे सेक्शन बी में, सेक्शन बी जो है दोस्तों, सेक्शन बी आपका है वो है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन कैरी 8 मार्क, जो दोस्तों सेक्शन बी से आपको 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें प्रत्येक क्वेश्चन आपको 8 नंबर का है, जिसमें सबसे पहले 2 नंबर में जो दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज क्लियरिफाई एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो दोस्तों आपको एक पैसेज दिया रहेगा 8 नंबर का, इसके नीचे आपको पैसेज के क्वेश्चन दिए रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, तथा इन क्वेश्चन को आपको आंसर लिखना रहेगा। आपका प्रत्येक 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 4-4 नंबर के, ए और बी, जैसे कि इसमें 4-4 नंबर के दिखाए गए हैं, तो आपको ये लिखने रहेंगे इनके आंसर। इसके बाद में बात करेंगे बी नंबर पर, मोड ऑफ द अप्रोच जो है, मोड ऑफ द अप्रोच जैसे लॉजिकल हुआ, एंटोमिकल हुआ, डिस्क्रिप्टिव हुआ, इनके बारे में आपको लिखना रहेगा। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग सेक्शन सी के बाद में, बी के बाद में सेक्शन सी में, सेक्शन सी में कहाँ गया, और यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि राइट एनी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी इन योर कॉलेज, जैसे कि आपको एक एप्लीकेशन लिखने को रहेगा जो कि आपके एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के लिए लिखना है। ठीक है, इसी हिसाब से आपको किसी और पर कोई भी एप्लीकेशन दिया जा सकता है जिसके बारे में आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रिपेयर ए प्रेस रिपोर्ट ऑन द एग्रीकल्चर फायर हेल्ड इन योर कॉलेज, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका दोस्तों 8 नंबर का है, और आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 में से आपको केवल 2 क्वेश्चन ही यहाँ पर करने रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं ये आपको भरने रहेंगे 5 नंबर में,
अगर यहाँ पर जो सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें से है आपको 2 करने रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी भी दोस्तों जो है कि इसमें भी अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन ईच कैरी 8 मार्क, यानी कि 2 क्वेश्चन करने रहेंगे सेक्शन सी से भी। प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है वो 8 नंबर का रहेगा। जैसे कि सेक्शन सी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 से दिया गया है, समरी द स्पोर्टिंग स्प्राइड और द वार मिनस शूटिंग बाय जॉर्ज ओवेल, ये जो है इस क्वेश्चन को आपका आंसर लिखना रहेगा। क्वेश्चन आपका 8 नंबर का। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। 7 के बाद में जैसे कि व्हाट इज द पैराग्राफ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्ट ऑफ ए गुड पैराग्राफ, राइट ए पैराग्राफ अबाउट 150 वर्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है 150 नंबर वर्ड का, यानी कि 150 शब्दों में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में दिया गया है डिफाइन साइन ऑफ पीस एंड द हाईलाइट द कैरेक्टर्स ऑफ द गुड साइन ऑफ पीसेस, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज द डायरेक्ट, इसको आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो आपको पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको सभी के सभी करने रहेंगे। कुछ आपको ऑब्जेक्ट में दिए रहते हैं जिनको आपको नहीं करना रहेगा। तो गाइस अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। इसके बाद में मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस।